दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल पे जिसका नाम है गौतम ऑनलाइन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके 5 और 6 मार्कर क्वेश्चन जो कि आपके हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज के जो हमारे क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में उल्लेख कीजिए, स्वदेशी आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वदेशी आंदोलन पर टिप्पणी। बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति हुई। इस आंदोलन के विचार की जो रूपरेखा है आपके, सर्वप्रथम 1905 में कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में मिलती है आपकी इसकी रूपरेखा, इस आंदोलन की, स्वदेशी आंदोलन की। मुख्य कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे आपके जो विदेशी वस्त्रों एवं वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, इसकी जगह पे आपके स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया गया। राष्ट्रीय स्कूल एवं कॉलेजों की स्थापना, सरकारी सेवाएं, स्कूल, न्यायालय, उपाधियां, नौकरियों का त्याग। साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपके आमार सोनार बांग्ला गीत गाया तथा भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य तोड़ा। तो इस तरह से अगर हम बात करें आपके स्वदेशी आंदोलन न केवल आपके राजनीतिक आंदोलन है बल्कि यह आपके आर्थिक आंदोलन था। इस आंदोलन ने जनता के मध्य आत्मनिर्भरता एवं आत्मशक्ति का प्रसार किया। तो इस तरह से आप 5 और 6 मार्कर क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं आप मेंस के एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। इसके अंतर्गत संघीय विधि के विरुद्ध सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो, तो इन सभी कारणों पे आपके जो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से आपके यहाँ पे स्वतंत्र है। अब इनमें जो क्षमादान शक्ति है इसको हम देखेंगे आपके यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट है आपके लघुकरण। लघुकरण, कठोर प्रकृति के दंड पर हल्की प्रकृति का दंड जब आपके दिया जाता है तो यहाँ पे आपके लघुकरण कहलाता है, जैसे कि मृत्युदंड से आपके आजीवन कारावास। नेक्स्ट परिहार, परिहार यह आपके अगर हम बात करें आपके दंड की प्रकृति जो है कम किए बिना अवधि कम करना, दंड की जो प्रकृति है उसकी प्रकृति को कम ना किया जाए उसकी अवधि को कम किया जाए, ये कहलाता है आपका परिहार। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो 5 वर्ष की जगह में आपके 3 वर्ष कर दिया जाए, 2 वर्ष कर दिया जाए, तो जब अवधि को कम किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विराम, विराम दंड पाए व्यक्ति को विशिष्ट अवस्था के कारण यदि उसकी कठोरता को कम करना, किसी व्यक्ति को यदि दंड दिया गया है उसकी विशिष्ट अवस्था, जैसे कि यदि वह बूढ़ा है या जैसे कि गर्भवती महिला हो गई, तो इनमें अगर हम बात करें दंड पाए व्यक्ति को विशिष्ट अवस्था, उनकी अवस्थाओं के अनुसार यदि उसकी कठोरता को कम करना, यह आपके विराम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्रविलंबन, प्रविलंबन क्या होता है, मृत्युदंड का अस्थायी तौर पर निलंबन करना, मृत्युदंड का अस्थायी तौर पर निलंबन करना, यह होता है आपका प्रविलंबन। और ये कब होता है, जब जो भी आपके जिसे भी ये दंड दिया गया है जब वह राष्ट्रपति के समक्ष आपके क्षमादान के लिए जब वहाँ पे अप्लाई करता है तो ये मृत्युदंड का जो अस्थायी तौर पर निलंबन करना यह आपकी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्षमा, दंड या दंडादेश से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। यदि किसी को कोई दंड दिया गया है तो आपके यदि क्षमा के अंतर्गत हम बात करें तो वह पूरी तरह से उसका जो दंड है वह समाप्त हो जाएगा, तो दंड या दंडादेश से पूरी तरह मुक्त हो जाता है आपके क्षमा के अंतर्गत। तो ये आपने देखे राष्ट्रपति के जो आपके क्षमादान शक्तियों का उल्लेख। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिए थे। अगर आपको ये हमारा जो सीरीज़ है आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड चैनल पे अगर आपने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्रीवियस सभी पार्ट को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपके लिए क्रिएट कर दी गई है। थैंक यू।